देती थी, वहाँ लोग रहते थे कि कल हमारे कमर छठ की पूजा, इसलिए तुम भैंसे का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुला कर तैयार करती और बच्चों को समझाती कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर वह गाय का दूध, दूसरे में भैंस का दूध, तीसरे में गाय का दही और चौथे में भैंस का दही रखती। फिर चारों मटकियों को निशान बनाकर उसे बड़ी उसे अलग कर दीजिए और भैंस के दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। लाली को आत्मज्ञान होती और अपने के चली जाती। जब उस लाली शहर में वापस आती तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाती हुई बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उसके बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आ जाते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत सुख और खुशी होती है और अपनी जेठानी को बुलाते हुए कहती है कि वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है कि दीदी जो भी हो गया भूल जाओ, आज हम दोनों एक निष्प्रण लेते हैं कि हम भी अगले साल से कमर की छठ की पूजा करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुखपूर्वक प्राप्त।